फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स सिला के फ्रेंड थे, सिला को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सरप्राइज दिया और सिला भी वो सरप्राइज देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई। क्योंकि फ्रेंड सिला ने अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ जो है वो सब कुछ प्लान किया था कि वो बाहर आउटिंग पर जाएंगे शॉपिंग पर, लेकिन वहाँ पर फ्रेंड्स उन्होंने सिला के साथ साथ हरीश को भी इन्वाइट किया, लेकिन सिला को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि ये सिला के लिए सरप्राइज था। और फ्रेंड जब सिला ने हरीश को वहाँ देखा तो हरीश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और सिला भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई जो हलील को वहाँ पे देख कर। तो फ्रेंड सिला और जो हलील के फ्रेंड्स हैं वो कॉमन फ्रेंड्स हैं और वो सिला और हलील को हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया इन दोनों को पैचअप करवाने में, क्योंकि फ्रेंड्स इमानत के बाद बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस किए, लेकिन अब सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो चुका है इन लोगों के रियल लाइफ में और अब सब कुछ ठीक है। और सिला बहुत ज़्यादा हैप्पी है अपने फ्रेंड के साथ, हलील के साथ और सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड जो सिला है उसका न्यू जैसा सीरियल है उसकी शूटिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और सिला उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और फ्रेंड जो हलील है उसके लिए भी बिग सरप्राइज जो अपने फ्रेंड को देने जा रहा है, बल्कि वो उसका जो कंसर्ट है वो भी बहुत जल्द जो है वो आ रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। और सिला भी बहुत ज़्यादा हैप्पी है हलील के लिए, हलील सिला के लिए। तो फ्रेंड्स दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं और जो हलील का कंसर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हिट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड हलील का ये फर्स्ट लाइव कंसर्ट है जिसमें हलील लाइव परफॉर्म करेगा और वो भी बहुत बिग स्केल पे। तो देखिए फ्रेंड्स सिला हलील की न्यू जर्नी कब तक स्टार्ट होती है, लेकिन फ्रेंड सिला और हलील दोनों आजकल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हैप्पी भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर। और सिला हलील के जो उनसे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी दोनों को लेकर। तो फ्रेंड्स होप करते हैं कि ये और ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करें, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और दोनों ने अपने अपने जो उनसे न्यू पाथ चूज़ किए हैं, होप चूँकि इन दोनों की लाइफ में और ज़्यादा लक लाए, हैप्पीनेस लाए और ज़्यादा ये दोनों हैप्पी हों एक साथ रहें हमेशा, क्योंकि जब भी ये दोनों एक साथ होते हैं इन सबके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं इन दोनों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन टू द नेक्स्ट।